नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ विकास टेकरे। अक्सर हम वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और इस जद्दोजहद में हम वो नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए। धर्म किसी भी व्यक्ति के आचरण को निखारता है, उसके आधार को बनाता है, उसके चरित्र उसके कैरेक्टर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन हम जहाँ जानते हैं कि इन चीज़ों को पढ़कर हम धर्म को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, हम उन्हें कभी पढ़ने का प्रयास ही नहीं करते। जहाँ रामायण, महाभारत, श्रीमद्भगवद गीता जैसे ग्रंथ हिंदू धर्म को बेहतर फॉर्म में समझाने का काम करते हैं, उसके सिद्धांतों उसके आदर्शों को बहुत ही सरल भाषा में बताते हैं, हम वहाँ न जाकर फुट ढोंगियों और व्हाट्सएप मैसेजेस और सोशल मीडिया से धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि आज धर्म राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है। आज धर्म वह पहलू बन चुका है जो संतों की परंपरा के हिसाब से नहीं बल्कि नेताओं के भाषणों के हिसाब से चल रहा है। आज एक अलग ही माहौल है। हिंदू धर्म जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, मिलजुल कर चलने की बात करता है, जहां पर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम अपने धर्म का सम्मान करते हो लेकिन इस सम्मान में तुम दूसरे धर्मों का अपमान करते हो तो तुम वास्तविक रूप में अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हो। वहीं आज के दौर में न जाने कहां से ज्ञान परंपरा आ रही है कि हम ये मानने लगे हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, बाकी कुछ भी नहीं, और ये देश सिर्फ एक ही मजहब का है, एक ही धर्म का है, बाकियों को या तो मुँह बंद करके यहाँ रहना होगा या फिर यहाँ से दफा हो जाना होगा। हम ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र की तरह बना, लेकिन आज उसका क्या हाल है वो देख रहा है। कट्टरता किसी को नहीं छोड़ती, कट्टरता ये नहीं देखती कि वह कितना विकसित समाज है, वह कितना समृद्ध राष्ट्र है। अगर कट्टरता वहाँ पर फैलती है तो उसे बर्बाद करके छोड़ देती है। यही कारण है कि एक लंबे अरसे से भारत में राजनीति के हथियार के रूप में धर्म का इस्तेमाल होता रहा है, जबकि धार्मिक रूप से यह कर्तव्य होना चाहिए कि धर्म को आगे बढ़ाने का काम संत परंपरा का होना चाहिए जो बखूबी चलता है। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक दलों का धर्म के मामलों में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। कार्ल मार्क्स की एक बात बेहद अच्छी लगती है। वे कहते हैं कि धर्म राजनीति में अफीम की तरह है, आप इसे थोड़ा थोड़ा भूलते जाइए, कुछ लोग आपके बहकावे में आ जाएंगे और फिर आपका काम सद जाएगा। ऐसा ही होता है और ये बहुत गलत है। आज जब मैं सुबह अपने घर के सामने से कीर्तन निकलता देखता हूँ तो मुझे बेहद खुशी होती है और मैं कई बार उसमें शामिल हो जाया करता हूँ। लेकिन ये सुनकर बहुत दुख होता है कि लोग कहते हैं कि अब हमारे धर्म का उत्थान हो रहा है, अब हमारे धर्म का फिर से नव जागरण हो रहा है, नव चेतना विकसित हो रही है, और ये सब इस सरकार के काल में हो रहा है या फिर इनके काल में हो रहा है। हिंदू धर्म जहाँ पर पतन होने लगा था अब फिर से पुनर्जीवित हो रहा है, हिंदू धर्म फिर से खड़ा हो रहा है। मैं उन मूर्खों को क्या कहूँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ मन ही मन कि भाई जो ढोंग तुम 4 दिन के लिए कर रहे हो भगवान के नाम पर, 4 दिन बाद तुम उसे छोड़ दोगे। किसी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़कर तुम आज कर रहे हो, कल छोड़ दोगे। लेकिन जो परंपरा तुम दिखावे के लिए कर रहे हो वो मेरे दादा नानी और मेरे बुआ फूफा के गाँव में वो सदियों से परंपरा के रूप में चली आ रही है और मैं आज भी उसमें आस्था रखता हूँ। ये बहुत ही गलत बात है कि हम खुद अपने पिछड़ेपन को समाज के पिछड़ेपन पर थोप देते हैं। मैं अपने धर्म को कुछ भी नहीं जानता, लेकिन अगर मैं अपने धर्म को थोड़ा थोड़ा जानने लगता हूँ तो ना जाने क्यों मैं ये समझाने का प्रयास करने लगता हूँ कि देखो देखो मेरा उत्थान नहीं हो रहा है, ये उत्थान जो हो रहा है वो धर्म का हो रहा है। यानी कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ये कहना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप गलत थे, आप अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज के लोग क्या कहते हैं, अगर वो आगे बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि देखो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, धर्म आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये जो समय है वो नव चेतना, लोगों की नव चेतना का समय है, ना कि धर्म की। दोस्तों, अगर मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ तो मैं प्रमाणों के साथ ये आपको बता सकता
सकता हूँ कि आज से तकरीबन 5,500 साल पहले, और अगर कार्बन डेटिंग और कुछ बड़े इतिहासकारों की अगर हम बात करें तो 4700 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व था, और वहाँ पर हमें भगवान पशुपतिनाथ की शिव मूर्ति मिलती है और एक मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है जो कि हिंदू धर्म के प्राचीनतम प्रमाण माने जाते हैं। तो दोस्तों, जो संस्कृति 5,500 वर्षों से चली आ रही है, जो बौद्ध धर्म की सर्वोच्चता के सामने नहीं डिगी, जो ब्राह्मणों और पुरोहितों के आडंबरों और अंधविश्वासों के सामने नहीं झुकी, जो परंपरा मुगलों और इस्लामिक कट्टरवादी राजाओं के सामने नहीं झुकी, जो अंग्रेजों की ईसाइयत परंपरा के पुरजोर समर्थन के सामने नहीं झुकी, वो क्या आज खत्म हो जाएगी जबकि हमारे देश में कोई खतरा नहीं है? तो कुल मिलाकर आपको ये समझना चाहिए कि केवल एक राजनीतिक चाल है, भाग किसी भी दल का हो, कोई से भी दल का हो, क्योंकि आज सभी दल धार्मिक राजनीतिक अर्थ में तुले हुए हैं। कोई कहता है कि हम कट्टर हिंदू हैं, कोई कहते हैं कि हम भाई हम तो लिबरल हैं, और कोई कहते हैं कि नहीं हम तो मुस्लिमों के पक्षधर हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद हमारा देश और 75 साल लगेंगे हमारे देश को विकसित राष्ट्र कहलाने में, और ये हमारे लिए शर्म की बात होगी, क्योंकि हमारे जो क्रांतिकारी थे उनका बलिदान शायद व्यर्थ जाएगा अगर हमारी ही ऐसी ही विचारधारा रही। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वही जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि हम अक्सर वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और इस जद्दोजहद में हम वो करना भूल जाते हैं जो हमें करना चाहिए। तो आप अपने धर्म को बेहतर तरीके से समझिए। जब आप अपने धर्म को समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारा धर्म कट्टरता नहीं सिखाता है, हमारा धर्म मिलजुल कर रहना सिखाता है। गंगा जमी तहजीब हमारी संस्कृति की पहचान रही है, और अगर आप इसे खोते हैं तो आप अपने 5,500 साल पुराने इतिहास पर चोट कर रहे हैं। इसलिए अपने धर्म को समझिए। जब आप अपने धर्म को समझेंगे और फिर आपको कोई बहलाने का प्रयास करेगा तो आप समझदारी से अपना वोट देंगे, आप समझदारी से अपने डिसीजन लेंगे और आप सही रास्ते पर चलेंगे। दोस्तों, राजनीति का एक सीधा सा सिद्धांत है, आप बहुसंख्यकों को बहुसंख्यकों के जो काम है उन पर चोट कीजिए, और उनके उन मुद्दों पर आप प्रहार कीजिए जहां पर से वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और फिर वो आपके तरफ खींचे चले जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, अभी जो हिंदू कल्चर चल रहा है, जो कि एक प्रकार से लोग अपने फ़ायदे के लिए चला रहे हैं, वो कुछ जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था और जब उसे राजस्थान पर आक्रमण करना था, चाहे वो चंदेरिया खानवा का युद्ध था, तो उसने जेहाद का नारा दिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो सीधे तौर पर आक्रमण करता है तो उसके सैनिक बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। तो उसने उनके जो सैनिक थे उनके सैनिकों को जेहाद का नारा दिया था, और धर्म के नाम पर उसने युद्ध लड़वाया था जिसमें उसे बहुत ज़्यादा सफलता मिली थी। ऐसा ही कुछ बलबन ने भी किया था, फिरोज शाह तुगलक जैसे जो शासक थे, इन्होंने भी धर्म के नाम पर अपनी गद्दी पाई थी, और इससे इन्हें यह फ़ायदा हुआ कि जनता का समर्थन इनके पास आ गया और इन्हें बहुत आसानी से गद्दी मिल गई। वर्तमान स्वरूप में भी कुछ ऐसे ही होता है, बहुसंख्यक आज जो भारत की आबादी है वो हिंदू है, और लोग इनमें कट्टरता फैलाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि आपको खतरा है 2050 तक हिंदू आबादी तो बस इतनी सी रहेगी, आप वो लोग अपने ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि आपसे ज़्यादा पॉपुलेशन कर सकें। तो ये सारी बातें बहुत फजूल है। अगर आप अपने धर्म को बेहतर तरीके से समझेंगे तो आप ये समझेंगे कि भैया तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहते हैं, तुम अपने इस्लाम को मानो, हम अपने हिंदुत्व को मानते हैं, तुम अपने सिखिज्म को मानो, तुम अपने ईसाइत को मानो, तुम सिख बौद्ध जैन, तुम जिस भी धर्म की परंपरा के हो, चाहे तुम नास्तिक हो, तुम्हें जीने का अधिकार है, तुम्हें अपने विचार रखने का अधिकार है। सोचिए, अगर आज के समय में कबीरदास होते तो क्या वे जी पाते? उन्होंने तो कहा था कि मूड़ मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई लेह मुड़ाए, बार बार के मूड़ मुड़ाए भेड़ ना बैकुंठ जाए। और उन्होंने ये भी कहा था, कंकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लय बनाए, मुल्ला चढ़े ते बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। उन्होंने ये भी कहा था, पत्थर पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो
सोचिए, आप इतने स्वतंत्र रूप से सरकार के खिलाफ, आप इतने स्वतंत्र रूप से किसी भी व्यक्ति और धर्म के आडंबरों के खिलाफ अगर बोल पा रहे हैं, तो वास्तविक रूप में वही लोकतंत्र है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो हमारा राजनीतिक माहौल है उसे और उदार करें, उसे और लोकतांत्रिक करें और हमारे देश की, हमारी संस्कृति की गरिमा को बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस आपसे इतनी ही सिफारिश है कि भगवद गीता, रामायण और महाभारत जैसे उन ग्रंथों को पढ़िए जिनके आधार पर हमारा धर्म और हमारे धर्म के सिद्धांत टिके हुए हैं। और भगवद गीता से ही एक श्लोक मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च च तस्माद् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। यानी कि क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इसमें भी इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। यानी कि अगर हमारा जन्म निश्चित है तो हमारी मृत्यु भी एक न एक दिन निश्चित है। ना जाने हम कब मर जाएंगे, तो इसीलिए अपने जीवन को अच्छे कामों में लगाइए, अपने समाज में अच्छी चीज़ें फैलाइए। कट्टरता और नफरत हमें नीचे की ओर ले जाएगी और हमारे धर्म और हमारी संस्कृति को बदनाम करेगी। इसलिए उदार बनिए, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को अपनाइए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। अगर इस वीडियो से आपकी किसी भी प्रकार से भावना आहत हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।